राम राम किसान भाइयों, मैं नितिन फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल नितिन देओल में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे धान के लिए कीटनाशक। एक कीटनाशक आज मैं आपको ऐसा बताने वाला हूँ धान की फसल के लिए कि यदि धान की फसल के अंदर आपने इस कीटनाशक का उपयोग किया तो धान की शुरुआत से लेकर यानी कि धान की रोपाई से लेकर धान की कटाई तक आपकी धान की फसल के अंदर किसी भी तरह के कीट का कोई अटैक देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर दो कीटनाशक आपको बता देता हूँ। पहले मैं एक बताने की सोच रहा था लेकिन यहाँ पर आपको दो बताऊँगा। दोनों ही अलग अलग कंपनियों के हैं, दोनों के ही अलग अलग तरीके हैं काम करने के और दोनों ही धान के लिए स्पेशल में बनाए गए हैं। उपयोग तो हम इन कीटनाशकों का और भी फसलों के अंदर करते हैं लेकिन स्पेशल में जो मैन्युफैक्चरिंग इनकी की गई है वो धान की फसल के लिए ही की गई है। तो दोनों कीटनाशकों के बारे में कंप्लीट जानकारी मैं आपको दूंगा। यदि आपने समय रहते बिल्कुल सही डोज अपनी धान की फसल के अंदर इन कीटनाशकों को भी लगा दी, दोनों में से किसी एक कीटनाशक का आपको उपयोग करना है तो धान की फसल आपको बंपर उत्पादन निकाल करके देगी। शानदार इसकी टिलिंग होगी, शानदार कल्ले होंगे, कोई भी रोग कोई भी कीट आपकी फसल के अंदर नहीं लगेगा और अच्छी पैदावार किसान भाई आपको देखने को मिल जाएगी। लेकिन इस कीटनाशक का इन कीटनाशकों का उपयोग करने से पहले मैं आपको बता दूं, अच्छी तरीके से आप समझ लीजिएगा किसान भाइयों कि खेत के अंदर पानी होना आवश्यक है। यदि खेत के अंदर पानी नहीं होगा तो ये कीटनाशक हमें फायदे की जगह नुकसान भी दे सकते हैं, तो इस चीज़ का आपको ध्यान लेकर के चलना है। इन कीटनाशकों को डालने से पहले किसान भाइयों एक बात का आपको और ध्यान देना है कि डोज इनकी इतनी ही रखी जाए जितनी डोज मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादा डोज यदि आप रखते हैं तो ज़्यादा डोज होने से भी फसल को नुकसान होता है, आपको भी नुकसान हो सकता है, वातावरण को भी नुकसान होता है। तो डोज भी उतनी ही रखें जितनी आपको बताई जाए, बहुत अच्छे बेनिफिट मिलेंगे, ये मेरी जिम्मेदारी है। ऐसा नहीं है कि कहीं से भी उठा करके कुछ भी मैं आपको बता दूंगा, जो चीज़ जेन्युइन होगी बिल्कुल ठीक होगी, किसान भाइयों के हित में होगी, वही बातें किसान भाइयों मैं आपको बताता हूँ जिससे कि आपको कोई भी तकलीफ ना हो, कोई भी नुकसान ना हो, आपके पैसे की आपके समय की बर्बादी ना हो। तो यहां पर जो दो कीटनाशक लिए हैं उनमें से जो पहला कीटनाशक है वो है किसान भाइयों अदामा कंपनी का बरूज। ऐसा नहीं है कि इस कंपनी ने मुझे प्रचार के लिए पैसे दिए हैं, कोई भी प्रचार में बिल्कुल नहीं कर रहा हूं, आपका मन करे तभी आप इसे डालें, मन ना करे तो बिल्कुल ना डालें। तो अदामा कंपनी का जो बरूज है इसके अंदर किसान भाइयों आपको दो टेक्निकल देखने को मिल जाते हैं। एक तो इसके अंदर दिए गए किसान भाइयों कार्ट, मतलब जो हमारी कारटैप हाइड्रोक्लोराइड, और दूसरा इसके अंदर दिया गया किसान भाइयों इमामेक्टिन बेंजोएट। इनकी मात्रा की बात करूँ तो कारटैप हाइड्रोक्लोराइड की जो इसके अंदर मात्रा दी गई है वो 7.5% दी गई है और इमामेक्टिन बेंजोएट की मात्रा इसके अंदर 0.25% ग्रेनुअल फॉर्म में ही आपको मिल जाता है। ये किसान भाइयों बहुत ही अच्छा कीटनाशक है जो हमारी धान की फसल के लिए स्पेशल में बनाया गया है। तो धान की फसल में आप इसे डाल सकते हैं। धान की फसल में ये तना छेदक हो या फिर किसान भाई जो हमारी इसकी जड़ें होती हैं, जड़ें यदि कमज़ोर पड़ती हैं उन्हें भी ये बचाएगा, ग्रोथ करने में मदद करेगा, कई सारे फायदे किसान भाइयों ये हमारी धान की फसल के अंदर पहुंचा सकता है। इसकी जो मात्रा की यदि मैं बात करूं तो लगभग आप इसे 2.5 से लेकर 3 किलोग्राम 3.5 किलोग्राम प्रति एकड़ तक इसे अपने खेत के अंदर डालते हैं तो खेत के अंदर जो दीमक लगती है उसका अटैक भी देखने को नहीं मिलेगा, जो हमारी और अन्य कीट हमारी फसल के अंदर लगते हैं उनका अटैक भी देखने को नहीं मिलेगा। तो अदामा के बरूज को आप एक बार उपयोग करके देख सकते हैं और यदि किसी किसान भाई ने धान की फसल के अंदर अदामा के बरूज का उपयोग किया है तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं जिससे कि और भी किसान भाइयों की सहायता हो सके। बात करते हैं दूसरे कीटनाशक की। एक बात का ध्यान रखें, दोनों में से किसी एक का ही उपयोग करना है, दोनों का उपयोग गलती से भी नहीं करना है। तो दूसरा जो कीटनाशक है वो है किसान भाइयों सिंजेंटा कंपनी का वर्टेको। वर्टेको भी एक बहुत ही शानदार और अच्छा कीटनाशक है। इसके अंदर भी किसान भाइयों आपको दो टेक्निकल देखने को मिल जाते हैं। पहला है किसान भाइयों क्लोरेंट्रा नीली प्रोएल और दूसरा दिया गया इसके अंदर थायोमेथोक्सम। दोनों ही सुपर और अच्छे टेक्निकल हैं, दोनों अच्छे साल्ट हैं, तो इसका उपयोग भी आप धान की फसल के अंदर कर सकते हैं लेकिन पहले पानी पर करें। पहले खाद के रूप में जब आप इसका उपयोग करेंगे तो ये लंबे समय तक आपकी फसलों को रोगों से कीटों से बचा करके चलेगा। इसकी मात्रा की बात करूं तो इसकी मात्रा भी आप 3 से लेकर 4 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से डाल सकते हैं। इससे ज़्यादा मात्रा ना डालें क्योंकि ये धान की फसल के लिए इतनी ही डोज बताई गई है और इतनी ही डोज आपको देनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा डोज आप देंगे तो छोटी अवधि की फसल है, आपको नुकसान भी देखने को मिल सकता है। तो दोनों में से किसी भी एक कीटनाशक का उपयोग कीजिए और अपनी धान की फसल को लंबे समय तक कीटों से बचा करके चलें। उम्मीद है जानकारी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए सभी किसान भाइयों को राम राम जी।